अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं Huawei P60 Pro के बारे में बात करने वाले। और इस फोन का डिजाइन देख के मुझे दोस्तों बहुत एक अलग फीलिंग की और एक हाई लेवल की हमें जो है वो फीलिंग देखने को मिली है। यकीन करेंगे दोस्तों, Huawei P60 Pro के अंदर जो हमें डिजाइन देखने को मिला है वो काफी कमाल का होगा। पहला सेंसर छोटा सा रखा गया है, सेकंड जो है वो हमें दरमियान के अंदर देखने को मिलता है, काफी बड़ा आपको जो है वो सेंसर देखने को मिला है, और लास्ट पे भी हमें एक छोटा सा सेंसर देखने को मिल जाता है। तो बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे के साथ है, और इस फोन की जो डिजाइनिंग है वो काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिल रही है। तो खैर, बात करेंगे इस फोन के बारे में। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर ये फोन कब आ रहा है, कितनी प्राइस के साथ इंडिया और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये फोन देखने को मिलेगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहना दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं Huawei P60 Pro के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों इस फोन के डिजाइन के हवाले से, इससे पहले अगर डिस्प्ले साइज की अगर बात कर लीजिए, वो आपको 6.6 इंच का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं ये एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस फोन की जो थिकनेस वो भी काफी हाई लेवल की मतलब देखने को मिल रही है, और ये फोन चौड़ाई के अंदर भी काफी हद तक बेहतर देखने को मिल रहा है थिकनेस के अंदर। बाकी अगर डिस्प्ले साइज की अगर बात कर लीजिए, वो भी आपको काफी खास देखने को मिल रहा है। मेरा मतलब बताने का यह कि अगर आप गेमिंग के हवाले से अपना स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, उसके अंदर आपको स्क्रीन के साइज की थिकनेस की थोड़ी सी परेशानी होती है, तो भाई इसके अंदर आपको स्क्रीन के साइज के हवाले से, थिकनेस के हवाले से कोई भी आपको डाउट नहीं देखने को मिलेगा। जो काफी कम ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपको इतना स्क्रीन का साइज, थिकनेस और साथ साथ दोस्तों लंबाई में जो है वो प्रोवाइड करती है। तो मैं कहूंगा कि यार इस फोन के अंदर आपको इस तरह की डिस्प्ले वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली। खास तौर पर दोस्तों इस फोन के अंदर जो पैनल देखने को मिलता है ना, वो आपको ओलेड पैनल देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों इसमें सबसे हाईलाइटिंग अगर फीचर की बात की जाए ना, एक तो आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, और कैमराज इसके काफी हाई लेवल के होने वाले हैं, जिसके अंदर क्वालिटी तो भर के दी गई है, लेकिन साथ में आपको उसका जो रिजल्ट होगा वो खास तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इस फोन के रिफ्रेश रेट के हवाले से, भाई इस फोन के अंदर आपको जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो बहुत कम डिवाइसेस आपको प्रोवाइड करती है। अब देखो भाई, यहां पर आपको फुल एचडी देखने को मिलता है, एचडी देखने को मिलता है, लेकिन क्वाड एचडी प्लस आपको बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन आपको प्रोवाइड करता है Huawei P60 Pro। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस वाइज के हवाले से। देखो भाई, इस फोन की परफॉर्मेंस क्लियर है, सीरियसली क्लियर है। क्यों? क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, साथ में आपको जो चिपसेट है वो एक हाई लेवल का, एक प्रोसेसर जो है वो गेमिंग के हवाले से अगर बात कर ली जाए ना, तो काफी हाई लेवल तक होगा। मतलब इसके अंदर जो चिपसेट है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 2 का चिपसेट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि यार इस फोन के अंदर आपको 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है, गेमिंग के हवाले से आपको कोई डाउट नहीं देखने को मिलने वाला। पबजी वगैरह इस तरह की गेम्स को तो इजिली रन करेगा, लेकिन साथ में दोस्तों अगर बात कर ली जाए ना, इस फोन के अंदर फ्री फायर या टॉप लेवल के एक हाई लेवल्स की गेम्स भी है, इससे भी जिसके अंदर आप इजीली इसको रन कर पाएंगे। अब जिस तरह की गेमिंग आपने सोच रखी होगी ना, उस तरह की आपको गेमिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बात करूंगा यार इस फोन के कैमरे वाइज के हवाले से, इससे पहले अगर वेरिएंट की बात कर ली जाए ना, इस फोन के अंदर 2 वेरिएंट अभी एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा भी आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो अलग कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंडियन और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे वो 8GB के साथ 128GB, 8 के साथ 256GB और 12GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें माइक्रो एसडी कार्ड के सपोर्ट की, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यूएसबी टाइप पोर्ट जो है वो यूएसबी की देखने को मिलेगी, टाइप सी देखने को मिलेगी पोर्ट, और साथ में अगर बात करें इस फोन के डुअल स्पीकर्स के साथ ये फोन देखने को मिलता है। लेकिन मैं यही कहूंगा यार कैमराज इस फोन के ट्रिपल सेटअप कैमरा, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का, सेकंड यहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, लेकिन जो बड़ा सेंसर आपको टेलीफोटो देखने को मिलेगा ना, वो बड़ा सेंसर है जिसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट जो हमें थर्ड देखने को मिलता है वो भी हमें 50 मेगापिक्सल का, मतलब यहां पर जो छोटे दो सेंसर है ना, वो 50 मेगापिक्सल का जो बड़ा सेंसर देखने को मिलता है वो हमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। लेकिन साथ में हमें जो सेल्फी देखने को मिलती है वो भाई आपको 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, जिस चीज से मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं कि यार फोन के बैक कैमराज भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिली, साथ में सेल्फी हमें कम नहीं देखने को मिली, वो भी काफी अच्छी देखने को मिली। यार Huawei के आपको स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे, आप करते होंगे, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस
पता होगा कि हमें क्वालिटी किस तरह की देखने को मिलती है। अच्छा बात करेंगे बैटरी के हवाले से, तो भाई 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ में पूरे 100 W की आपको फास्ट चार्जिंग भी ये फोन प्रोवाइड करता है, जिसमें से वायरलेस चार्जर भी निकल जाएगा। बाकी अगर बात करें इस फोन की फास्ट चार्जिंग के हवाले से और यहाँ पर अगर देखा जाए बैटरी के हवाले से, कैमराइज के हवाले से, मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो यकीनन दोस्तों आपको काफी अच्छी स्पेस देखने को मिली है, लेकिन अभी प्राइस का कोई भी आइडिया नहीं हुआ है कि कितनी प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत जल्द ये फोन अपनी प्राइस के साथ साथ ये फोन लॉन्च रेट भी बता देगा और ये फोन अपने बहुत ही एक खास मार्केट के अंदर आपको वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। बाकी ये मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में ये फोन मुश्किल से ही आएगा, लेकिन आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, साथ में बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। इस तरह के आप वीडियो देखो यार, पता चले यार आप मेरे साथ सपोर्ट करते हो। तो चलिए यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।